उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, अभी फिर से चैनल में कुछ फ्रॉड लोग घुस चुके हैं, जो मेरी ही आईडी बना रहे हैं, मेरा ही नाम लिख रहे हैं, मेरा ही फोटो लगा रहे हैं और नंबर वे अपना दे रहे हैं। कई जगह पर वे लोग इस टाइप का मैसेज लिख रहे हैं कि सिर्फ लेडीज व्हाट्सएप करें। ध्यान रखें दोस्तों, मैं आपको बार बार आगाह करती हूँ कि मैं कमेंट बॉक्स के अंदर कभी भी अपना नंबर नहीं दे रही हूँ, ना ही इस टाइप की कमेंट लिख रही हूँ। ये जो भी आईडीज है, ये बिल्कुल ही फेक हैं और ये फ्रॉड लोग हैं। इनका यदि आप कांटेक्ट करेंगे और इन्हें पैसा देंगे तो उसकी मेरी अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि मैं बार बार आपको बताती हूँ कि इनके पास जो भी ये फ्रॉड नंबर्स दे रहे हैं, लेडीज ऐसी बैठी हुई हैं जो वीना भदौरिया बन करके बात करती हैं, बिल्कुल मेरी ही तरह वो लोग बात करते हैं। आप लोग एक बार सुनने में भी धोखा खा जाएंगे कि मैं हूँ या कोई और है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने बहुत मेहनत करके और बिल्कुल मेरी तरह उन्होंने बोलना शुरू किया है, और ज़्यादातर वे लोग बात व्हाट्सअप पर लिख करके ही करते हैं, सुनते हैं, ताकि आपको बात करने का ज़्यादा मौका ही वो लोग नहीं देते हैं कि आप पहचान पाएं। तो सावधान रहे आप इन तमाम लोगों से, ठीक है। चलिए, आज का उपाय मैं आपको बताऊं। दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको पहले की तरह लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, आपका इम्पोर्टेंस कम हो रहा है, आपके पास पहले की तरह पैसे नहीं आ रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी शक्ति पहले की तरह नहीं रही है किसी भी चीज़ में, आपके बोलने में वो ताकत नहीं रह गई, आपके किसी भी काम में वो पावर नहीं दिखाई दे रहा है जो पहले था, तो आप इस उपाय को करें दोस्तों, आपका पूरा व्यक्तित्व चमक जाएगा। ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। सोमवार के दिन दोस्तों, जो भी मैं उपाय बताती हूँ, ये उपाय हमेशा एक ऐसी शक्ति से जुड़ा हुआ होता है जो अदृश्य रूप से आपका साथ देती है, और ये शक्तियाँ मौजूद हैं दोस्तों। जो जानते हैं, जो मानते हैं, वे इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, और अमुक लोगों की बुद्धि के चीज़ें बाहर होती हैं। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी शामला जी मंदिर की, ये बहुत बड़ा तीर्थ धाम है, कहीं कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं, दर्शन करते हैं। बहुत ही शुद्ध पवित्र जगह है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। बहुत अच्छा लगता है शाम के समय यहाँ जा कर के बैठना, बहुत ही आह्लादक महसूस होता है। वहीं पर कैमरा में एक ऐसी शक्ति कैद हुई थी जो बहुत ही अद्भुत थी। बहुत ही लंबा वीडियो था, लेकिन मैंने उसका छोटा सा पार्ट आपको सिर्फ दर्शन करने के लिए वो चीज़ दिखाई थी। उसमें भी काफ़ी लोग तर्क वितर्क आ गए थे, जिससे पता चलता है कि अमुक लोगों की किस्मत में नहीं है इन चीज़ों के दर्शन करना, क्योंकि इनके तो सिर्फ दर्शन करने मात्र से कितने ही पाप आपके कट जाते हैं, कितने ही पुण्य के आप भागीदार बन जाते हैं। ये शक्तियाँ मौजूद हैं, पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, हमें और आपको पता ही नहीं होता, हमारे आस पास ये शक्तियाँ होती हैं। आप जिस भावना से कर्म करते हैं, वैसे ही ये चीज़ें आपकी मदद करती हैं। आप यदि घर का भी कोई काम कर रहे हैं, आपकी भावना गलत है या आप लापरवाही से करते हैं, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप सही भावना से, प्रेम से, जिम्मेदारी पूर्वक कोई काम करेंगे, चाहे वो दुनिया की कोई भी क्रिया हो, है ना। आज दोस्तों, आज आपको जो उपाय बता रही हूँ, इस उपाय को आप करके देखें। इस समय दोस्तों, नदी का पानी लेना, उससे स्नान करने मात्र से आपको चारों धाम की पूजा का फल मिलता है। आपके अंदर जो शिव बैठे हैं, उनकी भी आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग है, लंबा तरीका है। मैं उसके लिए अगर ज़रूरत लगी तो दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी, कैसे आपको करना है अपना खुद का अभिषेक। अभी जो बता रही हूँ दोस्तों, इसमें आपको सोमवार के दिन गंगा जल ले लेना है। नहा धोकर के आप स्वच्छ हो जाए, घर की पूजा पाठ कर ले, उसके बाद आप गंगा जल ले लें। गंगा जल की बोतल जहाँ भी पूजा पाठ होता है वहाँ पर मिलती है, या तो आप वो एक बोतल ले लें, या फिर घर में, यदि आपके घर पे गंगा जल रखा है तो साफ पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं। प्योर गंगा जल हुआ तो उसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको ये शुद्ध पानी ले करके जाना है शिवालय में। शिवालय में जाकर के आपको भगवान की दिया बत्ती लगानी है, और नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, शिवालय में दिया बत्ती ऐसे भी होती रहती है। आप
जल को ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए आपको इस जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। शिव जी को आपको ये जल अर्पित कर देना है। इस समय दोस्तों अर्पित किया हुआ जल सोमवार का दिन और ये महीना दोस्तों आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। आप जल को अर्पित करें। जल अर्पित कर देने के बाद आपको देखना है कि शिवालय पे शिवलिंग पर कुछ लोग जो चावल चढ़ा करके जाते हैं उन चावल में से एक दाना चावल का आपको उठा लेना है। आपको अपने घर से चावल लेकर नहीं जाने हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आपको अपने घर से चावल बिल्कुल भी लेकर के नहीं जाना है। आपको वहीं पर चावल देखना है जो शिवालय पर कोई और व्यक्ति चढ़ा करके गया हो और उस चावल को आपको उठा करके अपने साथ ले आना है। और चावल आपको सिर्फ एक ही दाना लेना है, दो या तीन दाने नहीं लेने हैं। किसी और के लिए भी यदि आप सोच रहे हो कि एक दाना मेरा एक दाना मेरी पत्नी का, या पत्नी सोचे कि एक दाना मेरा एक पति का एक बच्चे का, तो नहीं। जो भी जा रहा है वो सिर्फ एक दाना अपने लिए ही उठाए, एक के सिवाय दूसरा दाना नहीं उठाए। दाना लेकर के आप भगवान से प्रार्थना करें जो भी आपकी इच्छा है, और उस दाने को लेकर के आप घर पर चले आए। जब भी आप किसी से बात करते हैं, जब भी आप कोई जरूरी काम से निकल रहे हैं, जब भी आपको नींद हो रही है कि मुझे मेरी शक्ति की आवश्यकता है, आप इस चावल के दाने को अपने सिर पर लगाएं। जब आप पहले कुमकुम लगाएं, चंदन लगाएं, जो भी लगाते हैं उसके साथ आप इस चावल के दाने को अपने सिर पर लगा करके रखें दोस्तों। चावल का दाना आपके सिर पर लगा रहेगा, कोई भी व्यक्ति दोस्तों आपको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएगा। बस आपको ध्यान रखना है चावल का दाना सिर से गिरे नहीं, ये लगा रहे। शिव जी का दोस्तों ये जबरदस्त आशीर्वाद है और शिव जी के आशीर्वाद को देवी देवता भी नहीं टाल पाते। यहाँ से जो भी शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं उनका पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को उसके आगे नमना ही पड़ता है। शिव कहीं बाहर नहीं, शिव आपके अंदर हैं। शिवालय में जाकर के आप उन्हें जगाते हैं। इसीलिए दोस्तों एक ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है जो अजपा जाप है। आप थोड़ा सा भी ध्यान करेंगे आपकी आपकी समझ में आ जाएगा कि ये जाप ऑलरेडी आपके अंदर चल रहा है। आपके अंदर ये 24 घंटे चलता है, बस आपको बाहर से अपनी वृत्तियों को हटाकर अंदर की तरफ देखना मात्र है। और इसीलिए शिव पूजा सबसे जल्दी, कोई पूजा फलती है तो शिव जी की पूजा। और इस पूजा में कभी ये नहीं देखा जाता है कि ये पुण्यशाली है कि ये पापी है, ये कौन है कैसा है। हर व्यक्ति अंदर से एक जैसा ही होता है, अंदर से हर जीव शिव स्वरूप ही है। लेकिन ये बहुत गहन बातें हैं, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता है। आप बस एक चावल का दाना ले आएँ और जैसे मैंने कहा है, जब भी आपको आवश्यकता लगती है इस चावल के दाने को अपने सिर पर लगाएं। और रिजल्ट दोस्तों आप खुद देखेंगे बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है। यदि ये दाना कहीं खो जाता है, कुछ ऐसा होता है, तो आप इस क्रिया को रिपीट कर लें, करते रहें, खुश रहें। जैसे